जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे बीएड इंट्रेंस 2024। तो आइए देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन जो था, सामान्य जानकारी। इसमें 7 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग 8वां देखेंगे, यानी मॉडल सेट 8 देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 7 जो है वीडियो हम लोग पीछे क्लास में देख चुके थे। अभी क्या देखेंगे, ये 8वां मॉडल सेट 8 देखेंगे। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, मटेरियल चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यानी फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बिना समय गंवाए हुए। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर, देखेंगे क्या है मानसून का कारण है। फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या दिया गया है, मानसून का कारण है। तो मानसून का क्या कारण है, तो मानसून का जो कारण है वो क्या है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 2। 2 में दिया गया है सिख यानी सिखवाद। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है, तो सिखवाद यानी सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ, कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 3। 3 में क्या कहा गया, आइए देखते हैं 3 में, द लैंड ऑफ गोल्ड। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था, वो कौन था, घाना। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 4। गीतांजलि पुस्तक का, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो वो रविंद्रनाथ, कौन थे, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे गीतांजलि पुस्तक का, किसका, तो अंग्रेजी में अनुवाद। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने, प्रश्न संख्या 5। 5 क्या कहा गया, चीनी तीर्थ यात्री कौन, वेनसांग जो है, चीनी तीर्थ यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, वो कब, तो हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन के शासन काल में, यानी सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 6। सौर मंडल की खोज किसने की, प्रश्न संख्या 6, सौर मंडल की खोज जो है वो किसने की, कोपरनिकस। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर, कोपरनिकस। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 लोक लेखा समिति, प्रश्न संख्या 7 जो है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो किसे, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 8वां, प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, चलिए 8 है भारत तथा चीन के, प्रश्न संख्या 8 है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा है, वो कौन है, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था, यानी प्रश्न संख्या 9 जो है, यानी क्या कहा, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था, क्या था, जी ए टी टी। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 अकबर के शासनकाल में, प्रश्न संख्या 10 जो है अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था, वो मिलिट्री विभाग का जो प्रधान था वो मीर कौन था, बख्शी, यानी कौन था। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 11 देखेंगे, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था, वो कौन थे, बकीम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर।
यानी ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की, यानी जो है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की, तो 10 मई को। किस दिन भर की? 10 मई को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या 12, यानी 12 हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट 13। 13 क्या दिया गया है? तो पंडित रविशंकर का संबंध, यानी प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है, वो सितार बजाया करते थे। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, इसमें सतलज चिनाब और रावी निम्न में से किस, यानी किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं। सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं। यानी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 15। 15 दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया कहां, तो बाकीपुर जेल। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, आइए देखते हैं। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? निम्न तापमान से। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 दिया गया है, प्रश्न संख्या 17 जो है कहा गया, निम्न में से, यानी निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यानी क्या होगा? INC3 जो है वो क्या, तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों को, आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों को। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। 17 हो गया। 18 क्या कहा गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का जो है ये तरंग सिद्धांत जो है ये प्रश्न, यानी क्या है, तो प्रस्थापित किया गया है किस पर? हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। 19, जब किसी पिंड पर, प्रश्न संख्या 19 है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा, एक समान त्वरण से चलेगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 दिया गया, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? एल्किन्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, तो टॉप 20 प्रश्न देखे, और ये लेक्चर कितना था, मॉडल सेट 8 था। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।